प्लीज बी रिस्पेक्टफुल, अदरवाइज कुछ कह नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आके सिर्फ सुनाते रहो। वीडियो डिलीट करने के लिए मैंने पहले भी बोल दिया था, मैंने दोपहर को भी बोला, मैंने सबको बोला, वीडियो डिलीट नहीं हुई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं सलो और आज ये भाई भी जा रहा है मेरा, गाड़ी का शीशा शीशा कर रही, गेट खोल दो प्लीज या अपने थोड़े लेट हो चुके हैं। जैसे कि थोड़ी ठंड कम है आज, तो हम जैकेट अपनी रखेंगे और इसको ऐसे लगाएंगे। अबे यार गाइस, ये मेरे न्यू जूते हैं और ये मेरे फेवरेट मेरी कलेक्शन में फेवरेट जूता बन चुका है ये, क्योंकि ये बहुत प्यारा है। अब कैमरे पे पता नहीं आपको कितना प्यारा लग रहा हो, वैसे तो बहुत प्यारा। एक अरे हाय, क्या बाल, तो बता दे कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, गीले हैं, मैसी लुक आ रहा है, मैसी लुक आ रहा है। हाँ, मीर कहाँ है? मीर को पिक करना है ना, पिक करना है उसे। चलो ठीक है, को कॉल करना है यार, कॉल कर अपने फोन से कर। तो भाई हमारा प्लान है तो इसको हिल जा, न्यू ईयर का वो मेरा फोन रह गया शायद घर पे, जाके लेके आ। हट जा फिर, लेके आ रहा हूँ। अबे यार, सो घर पे फोन छोड़ के आ गए, वेरी गुड। तब तक के लिए मैं गाड़ी रोक के अपनी बढ़िया चाय पी लूं। मैं चाय जो है ऐसे गाड़ी में पी लेती हूँ, कोई चक्कर नहीं है। हमारा जो प्लान है वो ये है कि न्यू ईयर पे हमारा कुछ प्लान है और मेरे भाई ने भी शायद नहीं देखी, मैंने भी स्नोफॉल नहीं देखी। मेरा मन है स्नोफॉल देखने का और न्यू ईयर पे हर जगह भीड़ होगी। मैं गोवा बहुत ज्यादा जाती हूँ पर न्यू ईयर पे मेरे लिए लीस्ट ऑप्शन होता है गोवा, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, नहीं पसंद इतनी भीड़ भड़क के मैं घुसना। तो मैं न्यू ईयर पे फर्स्ट टाइम ट्रिप पे जा रही हूँ और मैं थोड़ा ट्रैवल का कंटेंट बनाना चाहती हूँ। हमारा एक दोस्त है जिसने मेरे को बोला था कि थोड़ा ट्रैवलिंग के ऊपर भी कंटेंट वगैरह बनाओ, वेरी गुड। लेकर ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा जो है, तू गया है, तूने पहले स्नोफॉल देखी है? देखी भी है, चलो इसने तो देखी भी है, मैंने नहीं देखी। मैं यहाँ पे 26 साल की एकदम लोंठी हो गई हूँ, लोंठी और मैंने स्नोफॉल नहीं देखी है। हम लोगों की जो ट्रिप हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम 26th से 2nd जनवरी तक, और फर्स्ट टाइम हम न्यू ईयर बाहर मनाएंगे और बहुत चैलेंजिंग बनाएंगे। इनका हर साल बाहर होता है, मैं जेन्युइनली फर्स्ट टाइम बाहर जा रही हूँ। मैं दिवाली पे, होली पे या क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे हमेशा घर पे ही रहती थी। तो ये वाला जो ट्रिप है ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मेरे को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ठंड लगती है। लोगों के जब स्वेटर वेटर चालू होते हैं ना, तब तक मेरे दो जोड़ी ऊपर आ जाते हैं। तू कितने माइनस टेम्परेचर पे गई है? मैं माइनस में ही नहीं गई, कसौल नहीं गई, वहाँ पे माइनस नहीं था, वहाँ पे एक था। अच्छा, वहाँ पे जाने के लिए मेरे को जो पता चला कि अलग अलग जैकेट्स आती है, -5, -20, -22, ये सारे कपड़े लेने होते हैं, और मेरे को लगा आ जाती होगी 1500-2000 ऐसे की आ जाती होगी, पर अभी जो हमें पता चला है वो है 8000, 10000, 12000। तो उसके हम शॉपिंग करने जाएंगे, पहले सलो पे थोड़ा सा काम करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस बार एकदम ट्रैवलिंग का जो कंटेंट होता है ना, सिनेमेटोग्राफी वगैरह सब कुछ, अगर मेरे हाथ थर नहीं कांपे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, कांपे तब भी कोशिश करूंगी कि मैं बेस्ट कंटेंट। और बताओ, मैं भी कुछ ऑडियंस से एक बात कहना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज है ना, मेरे को बख्श दो, मेरे को जीने दो। इतनी ज्यादा रोज सुबह उठ के एक ना एक मैं ऐसा कुछ कलेश देख लेती हूँ कि मेरे ऊपर वो कर देंगे कि ये कीर्ति ने करवाया है, ये कीर्ति ने करवाया है, यहाँ कीर्ति ये कर रही है, कीर्ति वो कर रही है। जीने दो, है ना, मेरी भी अपनी लाइफ है, मैं अगर अपनी लाइफ में खुश हूँ रहने दो। अगर मैं आके कुछ नहीं बोल रही हूँ डेली के ऐसा 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 ऐसा, तो प्लीज ऐसा मजाक थोड़ी है यार, मेरी भी लाइफ है, सांस लेने का टाइम दो। ऐसे नहीं सुबह उठते ही पटक बम फोड़ दो फटाक, रात को सोते हुए एक बम फोड़ दो पटाक, इंसान है हम भी। बहुत ज्यादा चीजें मैं इग्नोर करती हूँ, बहुत ज्यादा, पर कुछ कुछ चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है, वो उसको भी मैं इग्नोर ही करती हूँ, पर थोड़ा सा ऐसा बुरा लगता है देखने में, तो प्लीज है ना जीने दो। जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अब हम जा रहे हैं जनता, फिर जनता प्लीज बी रिस्पेक्टफुल, अदरवाइज आई थ्रो यू आउट ऑफ माय कार। ओके, कूड़ा समझ रखा है ना मुझे। चलो गाइस यहाँ पे चलते हैं और फिर देखते हैं, शॉपिंग वॉपिंग चालू करते हैं, क्या मिलता है और कितना पैसा बहा के आते हैं। जब पैसों में आग लगे अच्छी बात है ना, ये करनी चाहिए। <My God. laughs>
शाम को जो यहाँ पे लाइट्स रहती है ना गाइस, वो तो मेरे को एकदम दिल से प्यारी है बिल्कुल। क्या हो गया, फ्लैश लाइट लेके पहुंच जा? तेरे को हमने अंदर जगह नहीं दे रखी बैठने के लिए यार। मुझे लगा तुम मीटिंग वीटिंग करोगे तो फिर मेरे को बाहर आना पड़ेगा ना। कौन सी मीटिंग? अरे तुम कैमरे में देखना कहाँ देख रहे यार। आओ यार कुछ खा पी के आते ना। इसे मंगवा लिया मैंने। प्यारी लड़की है ना यार ये। यार कमला नगर वाला डीकैथलॉन जो है वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा, क्योंकि हमने प्रेफर किया कि हम छोटे वाले में जाएंगे। सो हम सिलेक्ट सिटी आ चुके हैं। डीकैथलॉन की दुकान थी वो, दुकान थी। मस्ती आ गई, मस्ती आ गई। ये तो बाहर आ रहा है, लूज है यार ये तो। आप लेयर करेंगे दो लेयर के साथ में जाएगा। ठीक आ रहा है, मीडियम आपका जितनी लग रहा। अब जाऊंगी मैं माइनस में। सारी बात ठीक है, मुझे लग रहा है तीन जैकेट अगर हमने ऐसी ले ली तो गाड़ी में बाकी बाकी है ना। हाँ, बहुत गर्म है अभी ये नॉर्मल। कैसे खड़ी हो गई है पहन के जैकेट। अगर लेयरिंग ना भी करे तो भी बची जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। -20 में नहीं जा रहे तो हाँ 10 तक और 15 तक है तो बच जाएगी। थर्मल की लेयर में हो जाएगा ना। येलो वाला निकाल दो। ये कलर अच्छा लग रहा है, गुड लग रहा है। तो गुड है, दोनों ले ले। अंदर कोई जेब नहीं? वो ये वाली आई है। ऐसा क्या खास होता है इनमें भी, इतने महंगे हो जाते हैं? अंदर कंबल लगा देते हैं। भी है कुछ? अबे यार, और ये टॉप भी तो टिकी नहीं रही है। टॉप भी टूट गई है, कुछ पीछे होगा ना जैसे। पार्ट सेट शॉट नाकाम हो गया। आप चले ये मैं ये दे नहीं रहा, मैं तुझे कर ले शॉपिंग। क्या नहीं दे रहा ये तो साइज तो वैसे ना, ये मैं छोड़ दूंगा, स्लीपिंग बैग में घुसा दूंगा। साइज तो ये इसमें घुस जा चुपचाप। अच्छा ये तो वो है ना कुछ कुछ, दोनों साथ में चले जाएंगे तब नहीं पहुंच पाएंगे। लॉर्ड ऐसा कुछ ले ले, मेरे को जो पसंद आई ना। और वाटरप्रूफ है ये यार, मेरे को जो पसंद आई ना उसमें टेम्परेचर नहीं है। कम से कम ये जो 50,000 रुपए 60,000 रुपए घसीटते हुए लेके जा रहा है तू, थोड़ा रिस्पेक्टफुली। चुपचाप चुपचाप लॉर्ड की जैकेट दे इसमें से। पता नहीं बदमाशी क्यों कर रही है भाई, बदमाशी। चुपचाप जल्दी, बिलिंग रुकी हुई है। सॉरी मैडम। ओ ओ ओ ले बिल करवाएंगे ये अब। तो गाइस कल से ना मेरे पे लोग ऐसे बरस रहे थे कि आपने पैसे दे के वीडियो बनवाई है, आपने ये किया है वो किया। पहली बात तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बनवाऊंगी। दूसरी बात, अगर मेरे को पैसा लगाना ही होगा तो जो मैं वो अपना नया घर लेना है ना, मैं उसमें पैसा लगाऊंगी। तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे एकदम से आके भड़का मत करो। मैं चुप बैठी हुई हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आके सिर्फ सुनाते रहो सिंपति क्वीन और ये सब बोलते रहो। एक पापा वाले मैटर में आंसू निकलना अलग बात होती है, दूसरे मैटर में आंसू निकलना अलग बात होती है। कहीं से भी ऐसे जोड़ तोड़ के रील वील देख के ना कुछ भी देख के मेरे ऊपर मत आया करो, और फिर भी आना है तो बोलते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमेंट करते हो मैं या तो डिलीट कर दूंगी, या मैं ब्लॉक कर दूंगी, या फिर मैं पड़े रहने दूंगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है बोल बोल के करो, पर इतना मैं सुबह भी यही समझाया था, मैं अभी भी यही समझा रही हूँ। सामने वाले की भी लाइफ है, उसको जीने दो। सब अपने अपनी लाइफ में खुश हैं, रहने दो और खुद भी रहो। वीडियो डिलीट करने के लिए मैंने पहले भी बोल दिया था, मैंने दोपहर को भी बोला, मैंने सबको बोला, वीडियो डिलीट नहीं हुई। मैं किसी को जाके पकड़ के मार पीट के कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया, बात करी, तब जाके वो वीडियो डिलीट हुई है। मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरे कमेंट करने से या मेरे भाइयों के कमेंट करने से, किसी के कमेंट करने से कोई वीडियो उन्होंने डिलीट नहीं करी थी। वीडियो वो डाल चुके थे, जब मेरे दोस्तों ने फ़ोन करे उनको और थोड़ा धमकाया तब जाके वो वीडियो डिलीट हुई है। सो बिना स्टोरी जाने ना किसी को भी ब्लेम मत किया करो। माइक ड्रॉप। ऑनलाइन शॉपिंग करी है मैंने सीधा। कितने का बिल आया? 13-30 हज़ार है, मेरा 40 हज़ार है। और इसका 2,000? 7,000 रुपये। 7,600 रुपीज़। मैं हमारे पास तो थे ही नहीं यार कुछ भी, मीर के पास तो फिर भी थे। मीर पैसे वाली पार्टी है। मीर यार ये स्किन केयर वीडियो निकाल दें आप एक। भोजन करना चाहती हैं सैसी बेगम, तमीज से सैसी बेगम, सैसी बेगम से दिख रहा है, दिख रहा है। ओके भोजन करेंगे आज।
वाह नहीं वाह जी वाह ये लो।